चाइना अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन चाइना का ऐसा काला सच भी है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और वो सच ये है कि चाइना ने नकली खाना बनाना भी शुरू कर दिया है, और ये खाना इतना खतरनाक है जिसे खाने से बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही चाइनीज फूड के बारे में जानने वाले हो जिसे अगर आपने गलती से भी खा लिया तो आपकी जान पर बना सकती है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक के जरूर देखते रहना क्योंकि बात आपकी हेल्थ की है। नंबर 6, हनी। हनी में हमको बहुत से विटामिंस, एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और हनी खाने से हमें एनर्जी भी मिलती है और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप रियल हनी खाओ, ना कि चाइना का फेक हनी। अगर आप चाइना का फेक हनी खाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट तो नहीं होगा बल्कि आप बीमार पड़ जाओगे। चाइना इस हनी को शुगर वाटर, कॉर्न सिरप और बहुत से केमिकल्स की मदद से बनाता है जो कि आपके खाने की प्लेट के आसपास भी नहीं आना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये नकली शहद पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है क्योंकि ये चाइना से फेक लेबल लगाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना इस फेक हनी को पहले वियतनाम बेचता है ताकि ट्रैक करने वाले लोगों को ये पता चल सके कि ये शहद वियतनाम का है, और हैरानी की बात तो यह है कि एक रेगुलर कस्टमर इसे टेस्ट करके इसे पहचान नहीं सकता क्योंकि इस फेक हनी का टेस्ट रियल हनी से बहुत सिमिलर होता है। इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे एक पानी के गिलास में डालकर चेक कर सकते हो। अगर आपका शहद पानी में सही से घुल नहीं रहा है तो आपका शहद असली है क्योंकि रियल हनी को पानी में घुलने में बहुत ही एफर्ट लगता है, जबकि अगर आपके पास चाइना का फेक हनी है तो वो पानी में डालते ही फौरन घुल जाएगा। इसलिए हो सके तो हनी को लोकल लोगों से ही खरीदना चाहिए जो कि ताज़ा हनी बेचते हैं, ना कि बड़े बड़े सुपर मॉल से। नंबर 5, सॉल्ट। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चाइना का नमक तक के फेक है। पुलिस ने चाइना के ऐसे बहुत से ट्रेडर्स को पकड़ा जो कि फेक सॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। इस नमक को खाने से बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम आपकी जान तो नहीं जाएगी। चाइना के ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो कि रेगुलर सॉल्ट की जगह इंडस्ट्रियल सॉल्ट का यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मल नमक से बहुत सस्ता होता है, और यही नमक वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये नमक नॉर्मल नमक से देखने में तो बहुत ही सिमिलर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे खाने में भी यूज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट को मशीनों को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ इसका यूज़ पेपर, ब्लीच और टायर्स को बनाने के लिए भी किया जाता है, और ये नमक खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस नमक को खाने से आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, यह आपके लीवर और किडनी को डैमेज करता है। लेकिन चाइना के लोगों को दूसरों के हेल्थ की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो इस तरह के काम करते हैं। नंबर 4, नूडल्स। नूडल्स एक बहुत ही फेमस चाइनीज फूड है जो कि हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट होगा, लेकिन अगर आप चाइना का इम्पोर्टेड नूडल्स खाते हो तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना के बनाए हुए नूडल्स पूरी तरह से फेक होते हैं। चाइना इन नूडल्स को सड़े हुए ग्रेन्स का यूज़ करके बनाता है। रेगुलर राइस नूडल्स चावल के आटे और पानी को मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन चाइना में जो चावल खराब हो जाते हैं चाइना उसका भी फायदा उठाता है। ये सड़े हुए चावल और दूसरे ग्रेन्स को लेकर जो कि ज़्यादातर जानवरों को खिलाने के लिए होते हैं, चाइना इन ग्रेन्स में सल्फर डाइऑक्साइड और अलग अलग तरह के केमिकल्स को ऐड करके इन नूडल्स को बनाता है जिसे अगर गलती से भी खा लिया जाए तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 3, वॉलनट्स। चाइना वॉलनट्स को इस तरह से बनाता है जिसे पहचान पाना बहुत ही आसान है। इमेजिन करो कि आप चाइना के मार्केट में घूम रहे हो और आपको एक स्टॉल पर फ्रेश वॉलनट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें आप खरीद कर घर ले आते हो, लेकिन जब आप इन वॉलनट्स का शेल निकालते हो तो आपको उसमें से एक पत्थर मिलता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, चाइना के लोग अपना प्रॉफिट को डबल करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। ये शेल को ओपन करके उसमें से क्रेनल्स को निकाल लेते हैं और फिर उसमें पत्थर रख देते हैं और इसे ग्लू से चिपका कर उसे मार्केट में बेच देते हैं। अगर कोई गलती से बिना देखे इसे खा ले तो उसके तो दांत टूट जाएंगे, और पता नहीं शायद इस शेल में और क्या क्या हो। इस ट्रिक से वेंडर्स का प्रॉफिट डबल होता है। ये वॉलनट्स तो बेचते ही हैं, साथ ही साथ उसके छिलकों को भी पत्थर भरकर बेच देते हैं, और क्योंकि वॉलनट्स को वेट करके बेचा जाता है तो थोड़ा सा ही फेक वॉलनट में काम हो जाता है। तो अगर आप चाइना में हो
और आपका वॉलनट्स खाने का मन करें तो आप वॉलनट के शेल पर लगे हुए ग्लू को देखकर फेक वॉलनट्स की पहचान कर सकते हो, या फिर पहले आप कुछ वॉलनट्स को ओपन करके भी देख सकते हो। नंबर 2, एग्स। एग्स हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास करके बॉडी बिल्डर्स के लिए, क्योंकि एग्स से हमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है। लेकिन अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में चाइना के नकली अंडे भी बिक रहे हैं और ये एग्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। चाइना इन अंडों को इस तरह से बनाता है जिसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। चाइना इन अंडों को जेलेटिन और फूड कलरिंग की मदद से बनाता है और इसके छिलकों को वैक्स और केमिकल की मदद से बनाया जाता है। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, इस वीडियो में भी आप जानने वाले हो कि इन नकली अंडों की पहचान कैसे की जा सकती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि इस प्लेट में एक रियल अंडा है और एक चाइना का नकली अंडा है, और जब इन दोनों अंडों को पानी में डाला जाता है तब रियल एग तो पानी के नीचे बैठ जाता है, लेकिन चाइना का फेक अंडा पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसके अलावा भी दूसरे तरीकों से चाइना के नकली अंडे की पहचान की जा सकती है। अगर आप इस अंडे को फोड़ कर देखो तो आपको इस अंडे के योग का कलर डार्क ऑरेंज दिखाई देगा, जबकि रियल अंडे के योग का कलर लाइट येलो होता है। इसलिए इसको कुक करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। नंबर 1, कबाब। स्ट्रीट फूड हमेशा ही रिस्की होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, क्योंकि स्ट्रीट फूड हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन कम से कम दूसरी कंट्रीज में जो कहा जाता है वो आपको मिलता है, लेकिन चाइना के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना में आपको लिम का कबाब बोलकर चूहे का कबाब खिला देते हैं। चाइना में स्ट्रीट फूड का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ लोग लाखों की तादाद में फास्ट फूड खाने के लिए आते हैं, जिसमें बहुत से लोग लैम कबाब खाना पसंद करते हैं। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें चाइनीज रेस्टोरेंट्स और वेंडर्स लैम की जगह चूहे का कबाब लोगों को खिला देते हैं, जिससे इन्हें बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि चूहे का मीट बहुत ही सस्ता पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कई बीमारियां भी होती हैं, लेकिन चाइना के लोगों को किसी की हेल्थ से क्या मतलब। एक ऐसा ही एक्सीडेंट फरवरी 2003 में चाइना की शांगसी प्रोविंस में हुआ, जब वहाँ की पुलिस ने एक वेंडर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो रेड मीट में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड मिलाकर बेच रहा था, जिसको खाने से एक आदमी की जान चली गई थी। चाइना में सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं जो एकदम नकली हैं, बल्कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये आदमी केमिकल और प्लास्टिक का यूज़ करके इस कैबेज को बना रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल ही रियल लगता है। आपको इन सभी फूड में से किसके बारे में जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।